डॉगी दिख रहा है इधर, तो इधर डॉगी ने बच्चे ऐसी जगह दे दिए, देखो देखो वहां पे कोई, मेरा फोन ना पकड़े डॉगी उधर ही, बहुत सारे बच्चे हैं दिल्ली, देखो आपको भी पता चला क्या। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं लक्ष्मी मेहरा स्वागत करती हूँ फिर से अपने न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, टाइम लगभग 10 बज चुका है और मेरा आज ना सारा काम फिनिश हो चुका है। सुबह सुबह मैंने सारा काम कर लिया था और अब मैं और काम जो मेरा बचा हुआ है वो करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। कल मैं ऐसे कुछ सामान ढूंढ रही थी बॉक्स में और बॉक्स के अंदर मुझे देखो क्या मिला। ये देखिए, ये है रंगोली बनाने का। ये मैंने पिछले साल लिया था दीपावली के टाइम में रंगोली बनाने के लिए। इसके ऊपर ना ऐसे चारों तरफ से ऐसे ऐसे कलर डाल दो तो रंगोली काफ़ी अच्छी रंगोली बन जाती है। और इस बार भी मैं सोच रही हूँ ऐसे ही रंगोली बनाऊँगी। इसको नीचे रख दो और फिर इसके ऊपर से कलर डाल दो। ये ना काफ़ी दिनों बाद मिला, मेरे को इतना अच्छा लगा ना। और साइड से देखो ऐसे ख़राब भी हो गया है, ये पता नहीं ख़राब तो क्यों हुआ है। और एक चीज़ मैं आप लोग को और दिखाती हूँ, ये देखिए ये है हमारी फ़ोटो जो कि मैंने ना अपने हाथ से बना रखी है। फ्रेम फ़ोटो तो हमने हरिद्वार गए थे वहाँ खिंचाई थी, लेकिन जो इसका फ्रेम है ना चारों तरफ का, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। पतिदेव जी तो ड्यूटी चले गए हैं, वो सुबह चले जाते हैं ड्यूटी और अब मैं घर में अकेले हूँ तो मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैंने दाल इधर कुकर में चढ़ा रखी है, आज मैं बना रही हूँ राजमा की दाल। और जो भी मेरा काम बचा हुआ है ना उसको निपटाऊँगी। रसोई भी पूरी क्लीन कर दी है, पानी मेरा हो चुका है अच्छे से और बस ऐसे ही है। आज मैं ना थोड़ा अपने गार्डन में जाती हूँ, गार्डन में देखती हूँ क्या क्या सब्ज़ी हो रखी है, क्योंकि थोड़ा छोटा मोटा हमने गार्डन बना रखा है तो वहाँ मैं ना देख के आ जाती हूँ और आप लोगों को भी ले चलती हूँ। चलो, मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रहा है, बाहर अच्छी खासी धूप निकल गई है। आज बाकी हल्के धूल के बादल लगे थे सुबह के टाइम में, लेकिन अभी ना बिल्कुल मौसम साफ हो चुका है। कपड़े भी मैंने सुखाने के लिए डाल दिए, मेरे पीछे देख लो। और मैं गार्डन में जा रही हूँ ये कुदाल लेके, ये हमारे घर का ही है, मैं उत्तराखंड से लेके आई हूँ इसको। चलो चलते हैं सीधे, आपको दिखाते हैं गार्डन। यह हमारा किचन गार्डन, ये हमने ब्रोकली लगा रखी है। ये देखो पूरा इधर से इधर पूरा हमारा गार्डन है। चलो हम गुड़ाई करते हैं फिर मिलते हैं। ना डॉगी ने बच्चे दे रखे हैं, देखो यहाँ पर इसके अंदर इतना सा छेद है और इसके अंदर बच्चे दे रखे हैं। डॉगी एकदम अंदर है, दिख भी नहीं रहा है, अभी थोड़ा सा दिखेगा तो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखो ऐसी जगह, उधर से सीमेंट है इधर से और बीच में थोड़ा सा गैप है तो यहाँ बच्चा दे दिया। देखो कहीं हाथ ना पकड़ ले उस चीज़। नहीं, मैंने भी कल रात को बनाया था। इधर ना डॉगी ने बच्चे दे रखे हैं, दिखाते हैं अगर दिखेंगे तो। ऐसे तो बनाओ, फट्टा लग रहा है और नीचे करो। ओ डॉगी दिख रहा है, ये देखो इधर डॉगी ने बच्चे ऐसी जगह दे दिए, देखो वहाँ पे कहीं मेरा फोन ना पकड़ ले डॉगी उधर ही, बहुत सारे बच्चे हैं दीदी, देखो आपको भी पता चला क्या? देखो बाहर को भी आ रहे हैं, ये सफेद है बिल्कुल। हाँ, दो सफेद थे, एक मर गया, एक पूरा सफेद है ये वाला जो जिंदा है। इतने प्यारे लग रहे हैं यार, देखो बाहर भी नहीं आ रही है, वो रोटी तो दे देते खाने नहीं गए। थोड़ा बहुत गार्डन में गुड़ाई करके आ गई हूँ मैं वापस। अब आ गया खाना बनाने का टाइम, अब मैं बनाऊंगी फटाफट से खाना। और खाने में बता ही दिया था आप लोगों को राजमा चावल बनाने वाले। और अपने गार्डन से ना थोड़ा सा धनिया लेके आई हूँ, देखो इतना छोटा छोटा हो रहा है अभी तक। और थोड़ा मैं लेके आ गई क्योंकि राजमा चावल में धनिया डालो तो स्वाद ही चेंज हो जाता है। चलो गाइस फटाफट से बनाती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। गाइस खाना पीना बना चुकी हूँ मैं, और चावल दाल रोटी आज सब्जी नहीं बनाई, और अब हजार सर्दी जुकाम भी लग चुका है इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया। गाइस सारा काम हो चुका है, अब खाना पीना खाएंगे दिन का और पति देव जी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद खाना खाने। और आज का दिन तो ऐसे ही रहा। चलो इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो मस्त रहो, जहाँ अपनी फैमिली के साथ व्यस्त रहूँ। टाटा बाय बाय।